Topic that's forces and equilibrium. Today will be one of the last sessions that we spend in this. Maybe the last or maybe eight. Five. This is the first. Okay, so we did friction in the last couple of classes. In the last session, we did a couple of questions on this as well. Now today we want to do some more practice from this particular worksheet. This was uploaded in classroom already. इसकी आपको printed copy भी मिल गई है. उस इसपे questions भी assigned हैं. How many of you have done at least 5 questions from the one that were assigned? मैंने कितने कहा था आपको? Friday से पहले कितने करने? 5 कहा था ना? I said at least 5 कर ले. हाँ ट्राई करना है तो ट्राई मतलब करके ट्राई करना है या सोच के ट्राई करना है सर. ओके हाउ मेनी फिटेड एटलीस्ट थ्री पर्सन्स. क्या हो गया आप लोगों का? ओके अब क्या करें, सब कुछ मैं यहाँ पे क्लास में करा रहा हूँ तो आपको समझ तो नहीं आएगी इतनी अच्छी अगर खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो. आपको आ जाएगी ना, आपको पहले आई हुई है तो बाकी को क्या होगा जी. अरे क्वेश्चन नंबर 4. ओके All right, let's do a couple of questions from this friction worksheet now. अच्छा, इस worksheet के अंदर ना ज़्यादा सारे questions जो हैं friction से related हैं और friction जो है आपके पास आगे भी multiple topics में आ रही होगी. So इसमें एक तो forces and equilibrium के कुछ questions हैं जो मैंने आपको assign किए हैं. उसमें I think जो row जो सारे questions हैं वो सारे इस topic से related हैं. ठीक है? जो बाकी questions के अलावा हैं वो आगे जो मैकेनिक्स का हम सेकेंड और थर्ड टॉपिक करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स, उसके भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको इस वर्कशीट में बनेंगे. ठीक है? सो दैट्स व्हाई इट्स यू नो सो बिग, 16 पेजेस हैं. तो बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी इसके अंदर कुछ आ रहे हैं. जी अरीबा. ओके चलिए, लेट्स डू दिस होल क्वेश्चन. के बाकी में तो किया नहीं है, सो वी हैव टू डू ऑल ऑफ इट. पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेस 0.2 किलोग्राम्स एंड 0.3 किलोग्राम्स रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. द स्ट्रिंग पासेस ओवर अ स्मूथ पुली. पुली के ऊपर से पास करें, पुली से भी पास करते हैं, रिमेंबर टेंशन दोनों साइड्स पे क्या होती है, सेम होती है, इक्वल होती है. अच्छा, उससे भी पहले उसने मासेस दिए, मैं इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं. यहाँ पे यू हैव ए एंड बी, उनके मासेस 0.2 किलोग्राम्स और 0.3 किलोग्राम्स हैं. सो दिस इज 2 न्यूटन एंड दिस इज 3 न्यूटन. ये दोनों के वेट्स आपने रिप्रेजेंट कर लिए डायग्राम के ऊपर. नाउ द स्ट्रिंग पासेस ओवर द स्मूथ पुली एट द एज ऑफ अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल. नाउ सिंस इट्स रफ दैट मींस देयर इज गोइंग टू बी फ्रिक्शन. Particle A hangs freely and particle B is in contact with the table. आपको डायग्राम पे नजर आ रहा है. The system is in limiting equilibrium. So as soon as you read limiting equilibrium, what does that tell you? F equals mu into R. Friction अपनी maximum value के ऊपर है, and that is mu into R. Okay. With the string taut, so string is straight, there is going to be tension in that string. And A about to move downwards.
Achha, before we actually do this, let me just write down here, jab humne friction kiya tha. Limiting equilibrium ko describe karne ke liye na, ek to kabhi kabhi usne specify kar diya hoga ki limiting equilibrium hai, like in this question. But sometimes they do not state this explicitly like this. तो कुछ और फ्रेज होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इट्स जस्ट अबाउट टू मूव, तो वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल, जस्ट अ कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑन दैट, लिखा हो सकता है इट्स जस्ट अबाउट टू मूव, राइट, जस्ट अबाउट टू मूव, मूव हो सकता है, स्लिप हो सकता है, स्लाइड हो सकता है. इस तरह की टर्मिनोलॉजी जब भी यूज होंगी, यू शुड नो दिस इज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. So this the object is just about to move, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी भी और फोर्स लगेगी तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा. सो दैट्स वाई दैट्स लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. तो अगर उसने लिमिटिंग इक्विलिब्रियम स्पेसिफाई नहीं भी एक्सप्लिसिटली मैंशन नहीं किया, लिमिटिंग का वर्ड वहाँ पर नहीं भी लिखा हुआ, तो ये इस तरह का कोई फ्रेज आपके पास अगर है, जस्ट अबाउट टू मूव, स्लिप और स्लाइड, एनीथिंग लाइक दैट, उसका मतलब ये होगा कि वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के अंदर. ठीक है, वी डिड अ क्वेश्चन लाइक दिस बिफोर, उसमें इसी तरह से उसने मेंशन किया हुआ था. सो यू शुड नो के लिमिटिंग इक्विलिब्रियम हमेशा एक्सप्लिसिटली इस तरह से मेंशन नहीं किया होता. ओके, दैट सेज ए अबाउट टू मूव डाउनवर्ड्स, ए नीचे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी? अगर ए नीचे मूव कर रहा है तो बी कहाँ पे मूव करेगा? जब ए नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग के साथ टाइट है ऑफकोर्स दोनों पार्टिकल्स, तो बी लेफ्ट पे जाएगा, लेफ्ट पे जाने लगेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी? राइट साइड के ऊपर. सो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको यहाँ से पता चल गई, फ्रिक्शन ऑन बी इज गोइंग टू बी एक्टिंग इन द राइट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द राइट. सॉरी, किसकी जरूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ पे एक और फोर्स लग रही होती राइट साइड के ऊपर, दैट फोर्स लेट्स से 10 न्यूटन, उससे भी राइट मूव करने लगा होता, फ्रिक्शन लेफ्ट पे लगती, वो डिपेंड करता है उसकी मूवमेंट के ऊपर, पुली के ऊपर नहीं डिपेंड करता. ओके, सो ए वॉज अबाउट टू मूव डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स बी इज अबाउट टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो फ्रिक्शन अप्लाइज टू द राइट. We have to find the coefficient of friction between B and the table, mu की value figure out करनी है. ठीक है, equilibrium है, इसका मतलब है कि opposite forces equal आएंगे, तो आप सारी forces पहले represent कर लें. A के ऊपर कौन सी forces लग रही हैं? You got weight of the object, tension is going to be acting in the opposite direction. B के ऊपर कौन सी forces लग रही हैं? B के ऊपर left पर tension लग रही है, of course away from B, so this is the tension applying on B. What other force do we have acting on B? Sakina? ए पे फ्रिक्शन नहीं होगी, ए पे फ्रिक्शन नहीं होगी. फ्रिक्शन कब होती है? फ्रिक्शन होती है जब कोई सरफेस इन्वॉल्व होता है. ओके, सरफेस जब इन्वॉल्व होता है तब आपके पास फ्रिक्शन भी तभी होती है, रिएक्शन भी तब होता है. अब यहां पे उसने यहां पे आपको बताया हुआ कि पार्टिकल ए हैंग्स फ्रीली, इट्स नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दिस वर्टिकल वॉल दैट वी हैव, उससे कॉन्टैक्ट में नहीं है, फ्रीली वो हैंग करे, तो उसका किसी भी सर्फेस के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो देयर इज गोइंग टू बी नो रिएक्शन और फ्रिक्शन. यस, या सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट बी, बी के परस्पेक्टिव से टेंशन लेफ्ट पे लग रही है. अगर हम पुली के ऊपर देख रहे होते हैं, पुली के ऊपर राइट साइड पे टेंशन लग रही है, हम बी को कंसिडर करें. सो हमने पहले ए की फोर्सेज रिप्रेजेंट की, ए के परस्पेक्टिव से टेंशन इज एक्टिंग अपवर्ड्स. Now we are considering forces acting at the point B. B के ऊपर tension left पे लग रही है, away from that object. Okay. What other force do we have now at B? Reaction force. Reaction is acting in the opposite direction because surface horizontal है, surface के perpendicular होएगा, पर ऊपर की तरफ आपका reaction लगेगा. ठीक है? Are we missing anything? ये सारी forces represent कर ली. ठीक है? अब देखते हैं
दोनों पार्टिकल्स को वन बाय वन. सो वी हैव पार्टिकल ए एंड बी. दिस इज पार्टिकल ए एंड वी हैव पार्टिकल बी. पार्टिकल ए में तो सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर फोर्सेस लग रही हैं, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर. ऊपर टेंशन लग रही है, नीचे वेट लग रहा है. सो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 न्यूटन हो जाएगी. सो ए को अगर आप कंसिडर करें, वहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है टी इक्वल्स 2 न्यूटन. इफ यू कंसिडर बी, बी के ऊपर वी हैव फोर्सेज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली एंड ऑल्सो वर्टिकली. तो लेफ्ट वाली फोर्स को राइट के इक्वल कर दें, अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल कर दें. बिकॉज इक्विलिब्रियम है तो आप ऑपोजिट फोर्सेज को इक्वेट कर देंगे. तो बी के लिए आपको दोनों चीज़ें करनी है, लेफ्ट वाली फोर्स राइट के इक्वल हो जाएगी और अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल. नाउ लेट्स जस्ट इनपुट वैल्यूज. लेफ्ट साइड पर वी हैव टेंशन in this diagram, right where we have friction. So tension equals friction in this case. Reaction ki value kya ho jayegi? 3 newton ho jayegi. R equals 3. Theek hai? Ab F kya ho jayega? Friction is mu times R. Tension ki value kitni hai? 2 hai. Tension ki value ne yahan pe input kar di. फ्रिक्शन की जगह पर म्यू आर डाल दिया बिकॉज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है. इज दैट ओके? टेंशन 2 है ना? यस, सो इट्स 2 न्यूटन. टेंशन की जगह पर हमने 2 इनपुट कर दिया, फ्रिक्शन की जगह पे हमने म्यू आर इनपुट कर दिया बिकॉज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम था. सो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स आर. आर की वैल्यू भी आ गई हमारे पास. जो स्टेप बाय स्टेप चले, इसमें हम इसी तरह लेने देते हैं. एफ की जगह पे म्यू डाल दी, आप दोनों की वैल्यूज डाल दें. टी की वैल्यू 2 है, आर इज 3. यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू फ्रॉम दिस. दैट्स 2/3. ये आपके पास म्यू आ गया. मेक सेंस? सो वी कंसिडर्ड बोथ पार्टिकल्स वन बाय वन. उनकी ऑपोजिट फोर्सेज इक्वेट कर दी क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम था. फ्रिक्शन की वैल्यू वॉज इक्वल टू म्यू आर. You know friction, you know the reaction force. Is that plus mu? Any problems? So is this the newer issue? Yes. Or can I talk to Sarah? Amelia. All right. So that was the first part. Let's look at the second part. There's a force that now acts on particle B. This force has a vertical component of 1.8 newton upwards and a horizontal component of x newton directly directed away from the bullet. Let me just copy this diagram again. Alright, so this is what we had earlier. Now it says there's a force acting on particle B. This force has a vertical component of 1.8 newton upwards. So there's another force here now, 1.8 newton. And a horizontal component of x newton. So right side pe our force lag rahi hai, right pe kya na usne? Away from the pulley. So pulley se away, that's the right side. This is another force, this is x newton. ये आपके पास दो, एक ही force है basically, उसके दो components हैं. आप उनको अलग अलग represent कर लें, एक ही बात है. X right side पे लग रहा है और 1.8 newton upwards लग रहा है. Now when this happens, the system is now in limiting equilibrium with the string dot and A about to move upwards. अब क्योंकि एक right side पे force आ गई है, उसकी वजह से A ऊपर मूव करने लगा. जब A ऊपर मूव करने लगा तो B कहाँ मूव करेगा? राइट साइड के ऊपर. उस फोर्स की वजह से B राइट पे जा रहा है, उसकी वजह से A ऊपर जा रहा है. तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी? अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी क्योंकि द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव टू द राइट. नाउ फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी एक्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट. टेंशन की डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकती है? टेंशन तो स्ट्रिंग की वजह से है. बी की बात कर रही हैं आप, तो बी के ऊपर जो टेंशन लगेगी वो तो लेफ्ट साइड पे लगेगी ना, स्ट्रिंग ही उसी साइड के ऊपर.
या टेंशन के डायरेक्शन का फोर्सेस से कोई ताल्लुक नहीं है, फोर्स के मैग्नीट्यूड से कोई ताल्लुक नहीं, डायरेक्शन वही रहेगी. मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी. अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट यू आर कंसीडरिंग. सो अगर आप बी की बात करें अवे फ्रॉम बी, ए की बात करें तो अवे फ्रॉम इट. दिस इज इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स. ओके, स्ट्रिंग्स में ये होता है. वी विल सी लेटर, कभी कभी आपके पास कोई रिजिड ऑब्जेक्ट होएगा, वहाँ पे थ्रस्ट भी हो सकती है. तो अगर आप उसको टेंशन ही अगर कंसिडर करेंगे तो वो एक तरह से ऑपोजिट साइड पर जा रही होगी. बट दैट्स नॉट वॉट यू आर कंसिडरिंग राइट नाउ. उसके रिसेंट पेपर्स में ना दो तीन क्वेश्चन आए हैं, विल सी दैट एट देम लेटर. इन मोस्ट केसेज विल हैव ओनली अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के अंदर जो भी टेंशन होगी वो इसी तरह से होगी, हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ओके, ऑल राइट. फ्रिक्शन आपकी कहाँ पर लगी? फ्रिक्शन आपकी होगी लेफ्ट साइड के ऊपर. दिस इज द सिचुएशन नाउ. अगैन इट्स इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम. फ्रिक्शन इज स्टिल इक्वल टू म्यू आर. आपने दोबारा से क्या करना है? उसी तरह से ऑपोजिट फोर्सेज को इक्वेट कर देना है. इफ यू कंसिडर ए, ए के ऊपर कौन सी फोर्सेज लग रही हैं? लेफ्ट पे यू हैव डाउनवर्ड्स यू हैव टू, अपवर्ड यू हैव टी. सो टी इक्वल्स टू न्यूटन. टेंशन की वैल्यू अभी भी वही है, इक्विलिब्रियम है, राइट? लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट बी को कंसिडर करेंगे आप, तो बी के ऊपर क्या होएगा? You've got forces acting towards the left side. Left side ke upar you have T and F that equals X. Upwards forces are R and 1.8. They should equal 3 Newton. So, aapne is force ko 3 se equate kar diya, inke sum ko. Aur ye F, T ke sum ko X se equate kar diya. You get two equations like this. Now, we know the value of R. This turns out to be 1.2 Newton. ये जब आ जाएगी आपके पास, ये आप जाके यहाँ पे इनपुट कर देंगे. टेंशन भी आपके पास है, वो भी वहाँ पे इनपुट कर दें. अगेन सिंस इट्स लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जब भी होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू आर के इक्वल होती है. सो इसे टी प्लस म्यू टाइम्स आर इक्वल्स एक्स. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट म्यू? म्यू की वैल्यू हमारे पास 2/3 थी फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. इज दैट गोइंग टू चेंज? म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? रफनेस ऑफ सर्फेसेस. इट्स स्टिल द सेम ऑब्जेक्ट, स्टिल द सेम सर्फेस. उनकी रफनेस तो चेंज नहीं हो जाएगी ना. ऑब्जेक्ट अगर चेंज हो जाता है या सर्फेस चेंज हो जाता है, फिर आपकी म्यू की वैल्यू चेंज होगी. फोर्सेस से सिर्फ आपकी म्यू चेंज नहीं होता. म्यू इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट. ओके, सो म्यू की वैल्यू जो फर्स्ट पार्ट में फाइंड की थी, वही वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे. टी वॉज 2, म्यू वॉज 2/3. रिएक्शन हमने वहाँ पे निकाला है, दैट्स 1.2. दिस इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू फॉर एक्स. व्हाट डू वी गेट? 2.2, इज दैट एग्जैक्ट? 2.8. ओके, ऑलराइट. 2.8 न्यूटन आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई. ठीक है, यस. वो रेशियो वही रहेगी ना. सो आर चेंज हो रहा है और फ्रिक्शन चेंज हो रही है, बट सिंस म्यू इज कॉन्स्टेंट, दे विल चेंज इन द सेम रेशियो. उनकी रेशियो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती. एफ इक्वल्स म्यू आर, mu equals F over R. So even though friction is different and reaction is different, wo same ratio mein change ho rahe honge. Since we know the ratio is same, that's why we can use the same value of mu. Ya mu pata hoga to aap baaki phir F R mein se koi bhi missing hai figure out kar sakte. All right, anything else in this? डायरेक्शन का मसला सिर्फ टेंशन का, टेंशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है फोर्सेस की वजह से. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? नो, एनी अदर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द वर्कशीट? एनी अदर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द वर्कशीट? बाकी जो क्वेश्चन साइन किए थे वो सारे हो गए थे? जो आपने अटेम्प्ट किए वो हो गए थे? कोई प्रॉब्लम नहीं?
क्या कहते से आते हैं? स्कूल पे करते एक्चुअली प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा बहुत मैनुअल प्रोसेस है. यू हैव टू फिल आउट अ स्लिप, फिर जाके वो साइन करनी पड़ती है, फिर वो साइन कराते हैं, फिर वो फोटो कॉपी पर देते हैं और फिर वो जाके वो प्रिंट होती है. सॉरी, वो इसी वजह से होता है ना कि बहुत ज़्यादा एफर्ट है, मैनुअल एफर्ट है. आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर अलाउड टू गेट द वर्कशीट्स प्रिंटेड फ्रॉम द स्कूल्स अकाउंट, तो उससे कर सकते हैं. अगर कोई बुक प्रिंट करानी हो पूरी तो वो आप लोगों को खुद पे करना पड़ता है, लेकिन वर्कशीट इस तरह की हो वो तो हो सकता है उनको पता ना हो, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं. कह सकते हैं नहीं, नहीं, this was one of the easier questions. Yes. Okay, चलें, let's do a few more. We have had a few minutes break now, so let's do. आप लोग खुद ही ब्रेक कर लेते ना दरमियान में, तो फिर ओके, लेट्स डू अ कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस. अभी हमने 4 देखा था. 18 खुद आप लोगों ने घर में करनी होती है जो आप करके नहीं आते. All right, let's do this. Question number 20 from the worksheet. पहले थोड़े से आसान कर ले, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा. All right, there's a particle p of weight. आप ये देखेंगे इस वर्कशीट में क्वेश्चंस आसान नहीं है. Mechanics is considered a relatively easier paper, but only if you have done a lot of practice. Okay? क्योंकि इस पे आसान इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा practice कर लेते हैं तो उसी तरह के questions आ रहे होते हैं बार बार, लेकिन practice के बगैर ये मुश्किल ही होएगा. इसका threshold high होता है, it's around 40 generally, out of 50 for an A it's around 41, कभी भी 42 पे भी चला जाता है आउट ऑफ 50 फॉर एन ए. इट्स नॉट एन ए स्टार का इससे ऊपर होता है ऑफ कोर्स. सो इसका थ्रेशोल्ड हाई होता है. अगेन द रीजन इज कि सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत आराम से होना शुरू हो जाते हैं क्वेश्चंस. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यू विल फाइंड आउट जब आप ये पहली दफ़ा कर रहे होंगे वर्कशीट, ये आपको आसान नहीं लगेगी. तो काफी क्वेश्चंस पे किए होंगे. ओके, अच्छा, सो द पार्टिकल पी ऑफ वेट 5 न्यूटन, अ पार्टिकल पी ऑफ वेट 5 न्यूटन इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ईच ऑफ 2 लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स. यू गॉट 2 स्ट्रिंग्स. जब 2 स्ट्रिंग्स होंगी तो क्या होगा? टेंशंस डिफरेंट होंगी, ठीक है, सेम अज्यूम नहीं कर सकते. उनकी लेंथ गिवन है. द अदर एंड ऑफ द शॉर्टर स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड पॉइंट ए of a rough rod which is fixed horizontally, a small ring S of weight W Newton. Okay, so काफ़ी सारी information होगी. Let's actually represent it on the diagram. Particle P का weight कितना है? 5 Newton. So this is 5 Newton. ये हमने यहाँ पर represent कर लिया. So there are 2 strings. This is the shortest string, this is the longest string. उनके lengths दी हुई हैं.
There's a small ring S of weight W newton that is attached to the other end of the longer string. Ye string S hai, iske upar ek ring attached hai, uska weight S W newton. The system is in equilibrium. यानी कि हर पॉइंट के ऊपर जो ऑपोजिट फोर्सेस होंगी वो इक्वल होंगी विद द स्ट्रिंग टॉट. सो स्ट्रिंग स्ट्रेट है और उसने लेंथ और भी दी हुई है. देयर इज अनदर थिंग दैट्स गिवन हियर एज वेल, दैट्स इट्स अ रफ रॉड. जब रफ रॉड होएगा, रफ सरफेस होगा, तो फ्रिक्शन भी होगी उसके अंदर. ठीक है. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट इट सेज बाय रिजॉल्विंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पी इन द डायरेक्शन ऑफ पी एस और अदरवाइज फाइंड द टेंशन इन दिस लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग. आपको बेसिकली ये जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन फिगर आउट करनी. ओके, दैट्स द क्वेश्चन. यस सरी, डिपेंड करता है आप किस ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. अगर आप पी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो यहाँ पे लग रही है, अगर आप एस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं यहाँ पे लग रही है. टेंशन की डायरेक्शन दोनों के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम ही है. अगर डायरेक्शन वो डिपेंड करते हैं ना कौन से पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं. अगर आप पी को कंसिडर कर रहे हैं, उस पी के ऊपर फोर्सेस देख रहे हैं सारी, हाँ वो आपको खुद से चूज करना है. आपको खुद देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से आपको देखना है. आप किसी का भी ले सकते हैं लेकिन पी के केस में आपको ज्यादा फोर्सेस पता है, एस के केस में आपको वेट भी नहीं पता, तो वहां पे ज्यादा अननोन्स हो जाएंगे. वहां से हो सकता है आप कैलकुलेट कर ही ना सके. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इन दिस केस यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पी. पी से ही करना पड़ेगा, ऐसे कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पे ज्यादा अननोन्स है. अच्छा, अब उसने कहा बाय रिजॉल्विंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पी. सो एक उसने कहा कि पी को कंसिडर करना इन द डायरेक्शन ऑफ पी एस. व्हाट डज दैट मीन? उसने कहा है कि क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है ना, दे आर बेसिकली सजेस्टिंग कि आप फोर्सेस को रिजॉल्व इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कर लें. दैट माइट बी ईजियर रादर देन डूइंग इट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. इस डायरेक्शन में कर लें तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें एक फोर्स ऑलरेडी, ये भी रिजॉल्व है, ये भी रिजॉल्व है, सिर्फ 5 न्यूटन को रिजॉल्व करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट दे आर सजेस्टिंग. आई थिंक दैट्स गोइंग टू कंफ्यूज थिंग्स फॉर यू. जस्ट डू इट द वे यू आर यूज्ड टू डूइंग इट. उसने कहा और अदरवाइज वी डोंट नेसेसरली हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन. आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व कर लेंगे करना चाहते हैं तो. ठीक है. सो लेट मी एक्चुअली रिप्रेजेंट एवरीथिंग हियर. सबसे पहले हम फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में सोचते हैं. पी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? पी के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? डाउनवर्ड वेट, दैट्स 5 न्यूटन. सो दिस इज वन फोर्स. टेंशन, वन टेंशन इज दिस इन दिस डायरेक्शन. लेट्स कॉल दिस टी एस. एस वाली डायरेक्शन के अंदर वन टेंशन इन दिस डायरेक्शन. लेट्स कॉल दिस टी ए. ये दो टेंशन आपके लग रही हैं. इज देयर एनी अदर फोर्स? दीज आर द ओनली 3 फोर्सेज एक्टिंग एट द पॉइंट पी. ओके, अगर आप पी को कंसिडर करते हैं तो ये फोर्सेस हैं. नाउ यू कुड आइदर रिजॉल्व देम हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. दैट कुड बी वन वे ऑफ डूइंग दिस. हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व करें, राइट साइड वाली फोर्सेस को लेफ्ट वाली के इक्वल कर दें, अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल कर दें. दैट्स वन पॉसिबिलिटी. उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको? एंगल चाहिए होंगे. जब भी आपको यहाँ पे लेंस दी होती है ना इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर, लेंस देने का सिर्फ एक पर्पज होता है कि आप एंगल्स फिगर आउट कर सकें. आप दोनों एंगल्स फिगर आउट कर सकें. सो फॉर इंस्टेंस, सिंस इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, वी कैन फिगर आउट दिस एंगल, लेट्स कॉल दिस थीटा ए. एंड वी कैन ऑल्सो फिगर आउट दिस एंगल, लेट्स कॉल दिस थीटा एस. ये दोनों एंगल्स आप फिगर आउट कर सकते हैं. ठीक है. हाउ डू यू फिगर दम आउट? कोई भी रेशियो यूज कर सकते हैं आप. बस तीनों लेंस से राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन, कॉस, टैन कुछ भी यूज कर. ओके, सो थीटा ए अगर लेट्स से हमें फाइंड करना होता, व्हाट कुड वी डू? लेट्स से टैन यूज करते हैं तो टैन ऑफ थीटा ए इक्वल्स परपेंडिकुलर, दैट्स 40. Divided by the base, which is 30. यहां से आपके पास थीटा ए आ जाएगा. What's that?
53.13 degrees. What about theta S, the other angle? अगर उस पर भी tan apply करते हैं, उसके perspective से 30 is perpendicular and 40 is the base. So that's tan theta S equals 30 over 40. What's that? 36.87, I think. क्योंकि यहाँ पे 13 था तो should have been 7. आपको tan use करना ज़रूरी भी नहीं था, आपको 90 एक angle पता है, दूसरा angle ये है तो third angle आप वैसे भी figure out कर सकते हैं. 180 में से माइनस कर दें बाकी दोनों एंगल्स. यू गॉट दोज टू एंगल्स नाउ. ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दीज एंगल्स? ये एंगल क्या हो जाएगा? ये भी थीटा ए हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स राइट. और ये क्या हो गया? थीटा एस. So now you've got something like this. Let me just represent this separately here. It will be easier to think about. Let's say we've got this particle P here. Ek aapke paas force lag rahi hai is direction ke andar. This is TS. Ek force uske upar is direction mein lag rahi hai, which is TA. Aur ek downward force lag rahi hai. उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है 5 न्यूटन. वी नो द एंगल्स. दिस एंगल इज 36.87 एंड दिस वाज 53.13. ये हमें एंगल्स भी पता है. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम में ऑपोजिट फोर्सेस को इक्वेट कर दें, अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल, लेफ्ट वाली फोर्स को राइट वाली फोर्स के इक्वल, रिजॉल्व के लिए कर लें पहले फोर्सेस को. सो टी एस के कंपोनेंट्स क्या आएंगे? एक राइट साइड पे, एक अपवर्ड्स. और टी ए के कंपोनेंट्स क्या आएंगे? एक लेफ्ट साइड के ऊपर, एक अपवर्ड्स. राइट वाली फोर्स को लेफ्ट के इक्वल कर देंगे, अपवर्ड्स को डाउनवर्ड्स के इक्वल कर देंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, आप बस टी ए और टी एस की वैल्यूज आ जाएगी. दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस, बट यू कुड डू इट मच क्विकर देन दैट, क्योंकि इसमें वो दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं जो हमने, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक थ्योरम. That was Lamy's theorem. Lamy's theorem कब आप apply कर सकते हैं? When you have three forces and they are in equilibrium. ये तीन दोनों conditions अगर meet हो रही हैं, three forces and equilibrium, you can use Lamy's theorem. In this case, you see, you've got three forces. So three forces वाली condition meet हो रही है और equilibrium भी है. Both conditions are met. So we can use Lamy's theorem here. All right. अब Lamy's theorem के लिए आपको क्या चाहिए होता है? Forces तो हैं आपके पास, इनके opposite angles चाहिए होते हैं. Now what about this angle? ये पूरा angle कितना है? It's 90 plus 53.13, which is 143.13. What about this angle? 90 plus 36, which is 126.87. And then you can find the third angle as well. 360 में से minus कर दें. ये angle दिया हुआ है? अच्छा, this is 90. Yes. So this angle is 90. ये भी हमें पता है, this is 90 degrees. Now TA, इसके ऑपोजिट एंगल 126.87 है. वी हैव अनदर फोर्स टी एस, इसके ऑपोजिट एंगल 143.13 है. एंड वी हैव द थर्ड फोर्स व्हिच इज 5 के ऑपोजिट वी हैव 90 डिग्रीज. सो वी कैन राइट डाउन एन इक्वेशन लाइक दिस, टी ए ओवर साइन ऑफ 126.87 डिग्रीज, दिस इक्वल्स 5 ओवर साइन ऑफ 90, दैट इक्वल्स TB over TS over sine of 143.13 degrees. ठीक है, तीन फोर्सेस हैं इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो आपने हर फोर्स के ऑपोजिट जो एंगल है उसको आपने एक पेयर बनाया हर फोर्स का उसके ऑपोजिट एंगल के साथ. Force over sine of that angle, that equals to the force of the second force over sine of the other angle, and so on. जिस तरह से sine rule होता था,
it's very similar to that because it's coming from the sine rule itself. तो आप क्या करेंगे, एक equation ये बन गई, एक equation ये बन गई, solve them separately, you'll find the values of TA and TS. TA over sine of 126.87. हमें सिर्फ TS चाहिए? Okay, all right. So we do not need TA. अगर आपको चाहिए होता तो आप उसको use कर सकते थे. हमें सिर्फ TS चाहिए. So हम ये यहाँ से निकाल लेते हैं. 5 over sine 90. This equals TS. Just write it here like this. Cross multiply कर दिया तो 5 into sine of 143.13 degrees divided by sine of 90 degrees. What do we get from this? TS की value क्या आ जाती है? 3 Newton. ये आपके पास TS आ गया. This is the tension in the longer string. Make sense? Yes, so you can just write this and then write down the answer. Yes. Ye kaha tha? Ye clear hai first part? Ji ji bataye. I can't hear you, I'm sorry. System equilibrium. सिर्फ इस टेंशन को रिजॉल्व किया, दूसरी टेंशन भी तो है ना, दोनों टेंशन के अपवर्ड्स कंपोनेंट्स है ना, दोनों को ऐड करें. अब इनका फोर्सेस रिजॉल्व करके भी कर सकते थे जिस तरह हम पहले करते आ रहे थे, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर यू कुड आल्सो यूज लैमीज़ थ्योरम एंड दिस इज क्विकर इन दिस केस, राइट. आपको सिर्फ ये दो स्टेप्स करने पड़ते, दिस इज योर ओवरऑल होल वर्किंग. इज दैट ऑल राइट? Okay, let's move on. Part 2. It says find the magnitude of the frictional force acting on S. अब हम S की बात कर रहे हैं. Friction जो act कर रही है S के ऊपर वो figure out करनी है. Now let's think about the forces acting at the point S. S के perspective से देखें तो एक force आपकी लग रही है उसका weight. That's acting vertically downwards. एक टेंशन लग रही है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, तो S पे टेंशन कहाँ पे लगेगी? अवे फ्रॉम S, विच इज दिस डायरेक्शन, दिस इज TS. दिस इज अनदर फोर्स. What other forces do we have? Reaction force, it's a surface, right? Ring को आप नीचे की तरफ पुश कर रहे हो, एक तो टेंशन भी पुश कर रही है, उसका अपना वेट भी है. What is holding the ring in its position? उसको नीचे क्यों नहीं आ, क्या सी चीज नहीं आने दे रही? रिएक्शन फोर्स जो रॉड इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज रिएक्शन. व्हाट अदर फोर्स वी हैव? इट्स अ रफ रॉड, सो वी आर गोइंग टू हैव फ्रिक्शन. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट डू यू थिंक? टू द राइट साइड और द लेफ्ट साइड? लेफ्ट और राइट? I have successfully confused everyone. What do you think? Salia, why left? Okay, first of all, friction always acts parallel to surface. So we only have two possibilities. Ya to right pe lagegi is tarah se, ya left pe lagegi. These are the only two possibilities. Now we have to figure out whether it applies to the left or the right. Yes, why left? Anyone else who thinks it's left? आप तो नहीं भी बोलेगा? Good. Okay, so let's think about this. We've got tension acting in this direction. Tension की components कहाँ पे लग रहे हैं? एक नीचे को लग रहा है, एक left पे लग रहा है. अब जो left पे force लग रही है उसको counter कौन सी force कर रही है? Friction.
क्योंकि विंग मूव नहीं कर रही ना, तो जो लेफ्ट पे फोर्स लगेगी टेंशन की वजह से उसको अपोज करेगी फ्रिक्शन, ताकि रिंग आपकी लेफ्ट साइड पे मूव ना करे, उसको रोकने के लिए अपनी पोजीशन के अंदर फ्रिक्शन अप्लाई होगी, तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी, टू द राइट साइड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. इज दिस ऑल राइट? फोर्सेस रिप्रेजेंट कर ली, अब आपको क्या करना है, इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है. अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया, इट्स जस्ट ईजियर टू थिंक यूजिंग अनदर डायग्राम. यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं. एस के ऊपर एक राइट पे फोर्स लग रही है फ्रिक्शन, अपवर्ड्स लग रहा है रिएक्शन, डाउनवर्ड्स वी हैव वेट. एक इस डायरेक्शन में लग रही थी फोर्स विच वॉज टी एस, दिस एंगल वॉज थीटा एस, थीटा एस की वैल्यू हमने फिगर आउट की हुई है 36.87. This is what the situation is. Point S के ऊपर आपके पास ये सारी forces हैं, ठीक है? Now F, R and W are all horizontal or vertical. सिर्फ TS जो है ये एक angle के ऊपर लग रहा है, इसको resolve करना है आपने. TS की value क्या होगी? P के ऊपर ऊपर को force लग रही थी 3 newton, जो हमने find की first part के अंदर. जो S के ऊपर नीचे की तरफ लगेगी वो आपकी वही सेम फोर्स होगी, बिकॉज वही सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आप जिस डायरेक्शन मर्जी में देखो वो आपकी इक्वल होगी. सो अगर P के ऊपर ऊपर साइड पे 3 न्यूटन लग रही थी, तो S के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3 न्यूटन ही लग रही होगी. सो दिस वैल्यू इज स्टिल 3 न्यूटन, ये भी आपको पता है. अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं. एक कंपोनेंट लेफ्ट पे होएगा विच इज 3 cos 36.87 and the other is going to be 3 sin 36.87. We've got some horizontal forces, 3 cos 36.87 and friction. We've got some vertical forces, R, W and 3 sin 36.87. You just equate the opposite forces now. उसने क्या कहा हुआ था आपको, उसने कहा है कि कोई मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, ठीक है. फ्रिक्शन यहाँ पर है, राइट साइड पर लग रही है, तो ये लेफ्ट वाली फोर्स के इक्वल होगी. तो इस पार्ट में तो आपको सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट वाली फोर्स को राइट वाली फोर्स से इक्वेट कर देना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम है. इसे 3 cos 36.87 that equals friction, this is going to give you the value for friction. What do we get? 2.4 exact? Okay, all right. So exact value use karte to exactly 2.4 newton hi aa jata hai. Phir that's second part. Part 3 dekhte hain. It says given that the coefficient of friction between S and the rod is 0.75 and that S is in limiting equilibrium. Limiting equilibrium means friction equals mu into R. Find the value of W. So, उसने एक चीज ये बताई कि limiting equilibrium है, यानी कि F की value mu R के equal है, और उसने mu की value बता दी, that's 0.75. आपको W find करना है, weight find करना है. So mu is given now, that's 0.75. You've already equated the horizontal forces, the vertical forces ko equate kar dein. Upwards force jab downward force ke equal honi chahiye yahan pe. Upward forces are, downwards is W and 3 sine 36.87. In forces ko bhi aapne equate kar diya. Now, what's the value of R? Do we know that? R हमें नहीं पता, W हमें नहीं पता, वो figure out करना है. So we can use on the side here, F equals mu R. उसने आपको mu बताया हुए, mu is 0.75. Friction आपने already पिछले part में find कर लिया, that's 2.4 into R. You find the value of R from this. What do we get? Exactly to 3.2?
3.2 न्यूटन आपका रिएक्शन आ गया. यू पुट दिस वैल्यू इन दिस अदर इक्वेशन एंड दिस बिकम्स 3.2 इक्वल्स डब्ल्यू प्लस 3 साइन 36.87 एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू फॉर डब्ल्यू. व्हाट्स दिस 1.40. उसके आगे क्या एग्जैक्ट आ रहा है? Okay, so that will be exactly 1.4 newton. This is the value of W. Okay? Any issues with this? No? Sorry? Achha, एक मिनट रुके. All right, let's have a short break. And in that break, you can think about this question. If you want. Otherwise, it's okay. 5 minute break. We'll have 2 minutes left after that. 38 pe maine kaha tha. It's okay. Wahan pe upar nazar aa raha hai aapko. 11:38. क्वेश्चन नंबर 12 आप देख लें इफ यू वांट. आपकी मर्जी है अगर आप देखें. ब्लॉक पे भी कर सकते हैं.
Arisha Saleem. थर्सडे को मिलना था शायद, कल नहीं मिला आपको, आज भी नहीं मिल रहा, कल फिर आपके पेरेंट्स को मिलेगा शायद। आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट श्योर। जहाँ तक मुझे पता था थर्सडे को मिलना था। ऑल राइट, द ब्रेक इज ओवर, the break is over, we have 2 more minutes to go. kuch nahi hota usse, it's okay, koi masla nahi. acha, this is an 11 mark question. question number 12, aap dekhenge ye bahut aasan question hai. first part mein usne kaha hai ki the surface is smooth, that means there's no friction. टेंशन फाइंड करनी है, यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रही थी एक ब्लॉक के ऊपर, उसमें से टी फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक यानी रिएक्शन फाइंड करना है. ये 2 चीजें फाइंड करनी है. इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स का है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन एंड रिएक्शन. फ्रिक्शन तो यहाँ पे है ही नहीं, सो सिर्फ रिएक्शन होएगा, तो रिएक्शन की वैल्यू फिगर आउट करनी है. तो आपने सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में फोर्सेज को रिजॉल्व करना है, ऑपोजिट फोर्सेस, ऑपोजिट फोर्सेस को इक्वेट करने, उनको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास टी और आर आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड पार्ट में उसने कहा इट्स गिवन इनस्टेड दैट द सरफेस इज रफ, दैट मींस फ्रिक्शन होगी. अब आप फ्रिक्शन भी कंसिडर करेंगे एंड द ब्लॉक इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग. पॉइंट ऑफ स्लिपिंग का क्या मतलब है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, दैट मींस एफ इक्वल्स म्यू आर. फ्रिक्शन की वैल्यू उसने बता दी है 25 and it acts towards A. Friction उसने बता दिया कि उसकी direction भी क्या होगी, otherwise आप figure out नहीं कर सकते थे कि वो किस direction में move करने लगा तो friction कहाँ पे लगेगी. उसने friction की direction बता दी है. आपको coefficient of friction find करना है, mu की value figure out करनी है. so all you do here is resolve the forces. again आपने बाकी सारी तो resolve की हुई है, अब इसमें in fact सिर्फ friction add हो गई है. friction को भी आपने represent कर लिया उस diagram के ऊपर, सिर्फ उसमें फ्रिक्शन ऐड कर दी. अगेन इक्वेट द ऑपोजिट फोर्सेस, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू फ्रॉम दैट. राइट, सो वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट यू विल फाइंड ऑन फ्रिक्शन. ये नोट्स के अंदर है, नोट्स मैंने कॉपी कर दिया, इट्स सारी वर्किंग. इफ यू वांट टू रेफर टू दैट यू कैन डू दैट. नोट्स का लिंक आपके पास क्लासरूम पे भी है, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है. In the next class, we will do some of the more difficult questions that you have on friction from this worksheet. Please make sure कि आप questions attempt करके आएँ. अगर आप नहीं attempt करके आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस क्लास का. ठीक है, so you have 3 days now, today, Saturday, Sunday. आपको पता चलेगा कहाँ पर problem है. You might find another way of doing that, or a better way of doing that. Attendance? I'll do. All right, Allah Hafiz everyone. Jeet.